हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथ बस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने वाले। लेकिन उससे पहले गाइस, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा पहला मिथ ये है कि हम फायर ट्रक को RPG या किसी भी वेपन से उड़ा देते हैं, उसके बाद उसकी जली हुई बॉडी जो है वो जले हुई ट्रक की बॉडी जैसे दिखती है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग मंगाते हैं गाइस फायर ट्रक को, जिसका चीट कोड है 606। अब हम इसको उड़ाते हैं RPG से, और ये उड़ाया हमने, और ये देखो आप, इसकी जो बॉडी है ना, ये कन्वर्ट हो गई ट्रक में। जो हमारा 1212 से ट्रक आता है, ये उसकी बॉडी बन चुकी है। एक बार फिर करते हैं, ये मैंने मारा और आप देखो, इसकी जो सामने की बॉडी थी, ये ट्रक की बॉडी है यार। तो इसका मतलब ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि फ्लाइंग मैन ग्लिच में गन का ऑप्शन नहीं ओपन होता। तो इसके लिए पहले हमें फ्लाइंग ग्लिच को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पता है हमें पानी के अंदर जाना है किसी भी बाइक या कार को लेके, फिर ये ग्लिच करना है। ये आगे हम पानी के अंदर, ये निकले गाड़ी से बाहर, ये एंटर किया और अब बाहर चलेंगे। ये आए बाहर, ये उतरे गाड़ी से, और ये फ्लाइंग ग्लिच हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो, मैं ऑप्शन खोल रहा हूँ गन का, लेकिन खुल नहीं रहा है। आप देख ही सकते हो, देखो फटाफट खुलते जा रहा हूँ, लेकिन वो खुलते ही बंद हो जाता है। तो इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप घोस्ट राइडर बाइक को किसी भी NPC में टच करोगे तो वो जलने लगेगा। तो घोस्ट राइडर बाइक पे बैठ चुका हूँ मैं, लोगों के पास मुझे ले जानी है बाइक को चिपका के बिल्कुल। अरे यार, ये थोड़ी दूर हो गई, पास ही नहीं आ रही है। अब तो अच्छे से जलाऊंगा, ये लो जल गई गाइस, सही में जल गई। मेरा फर्स्ट टाइम था किसी को जलाने में, किसी और के पास लेके जाते। यहाँ पे दो लोग हैं, पहले इसके पास, अरे तो उड़ भी गई साथ में, अरे वो गिर रही यार बहुत दूर। और ये भाई की तो हम बगल में से गए तो ही ये जल गया। तो मतलब ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि जो RGB कलर है ना, वो नाइट में लाइट की तरह काम करता है। तो नाइट का चीट कोड है गाइस 9। अगर आपको नहीं मालूम तो 9 दबाते ही नाइट हो जाती है। तो अब हम लोग एक कार बुलाते हैं और इस पे RGB कलर लगाते हैं। ये हमने कर दिया इसको RGB कलर। अब ये ऐसा लाइट वर्क कर रही है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। देखो, मैं इसके पास ही घूम रहा हूँ, अगर ये ऐसा लाइट वर्क करती ना तो मेरे ऊपर भी रोशनी आती। हम इसको एक अंधेरे रास्ते से लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक भी लाइट नहीं है ना। यहाँ से देखो, आपको कहीं भी लाइट ज्यादा दिख रही है? नहीं। हम देखो, जैसे एक बार आ गए ना, अब मैं नॉर्मल गाड़ी के साथ उसी रास्ते पे जाऊंगा। अब ये नॉर्मल गाड़ी है देखो, अब जितनी रोशनी उस टाइम हो रही थी जब हम आए थे, उतनी ही रोशनी अभी हो रही है। तो लाइट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा RGB की, इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि नाइट मोड में पुलिस नहीं आती। तो पहले तो मुझे नाइट मोड में किसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा, और इतना अंधेरा है कि कोई दिख ही नहीं रहा सामने, लेकिन मुझे दो खंभे दिख रहे तो एक इंसान ही होगा। ये देखो, पक्का मिल गया मुझे। अब इसको गोली मारते हैं, ये गया पहली गोली में, और हमारे ऊपर स्टार आ चुका है यार। आपने तो बोला था पुलिस नहीं आएगी, लेकिन देखते क्या पुलिस मेरे पास आती है। मेरी ही तरफ आ रहा है बहुत तेजी में, और पक्का मुझे मारेगा ये। तो इन लोगों का टारगेट यहाँ पर मैं ही हूँ, इसलिए मैं तो बस्टेड है। हमारा अगला मिथ यह है कि हम ट्रेन के लास्ट डब्बे में बम लगा के रॉकेट से फोड़े तो ट्रेन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उड़ जाएगा। तो इनका कहना ये है कि हम ट्रेन को जो उड़ाते हैं, वो वाला जो ग्लिच रहता है, वो हम लास्ट डब्बे से भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने स्टिकी बम लगा दिए हैं बहुत सारे पीछे, अब RPG मार के देखते हैं क्या ये उड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर मारता हूँ, ठीक है, उड़ा तो है ऊपर जैसे फ्रंट का डब्बा उड़ता है, लेकिन ये उड़ के वहीं गिर गया। मुझे तो ये ट्रेन सीधी लग रही है, ये पटरी के बाहर नहीं आई है। फिर से स्टिकी बम लगा दी है मैंने, इस बार मारता हूँ, इस बार तो यार लगी नहीं। ठीक है, इस बार भी बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन स्टिकी बम सारे नीचे ही गिर गए भाई। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, ये तो उड़ ही नहीं रहा है जैसा कि आपने बोला था। तो इसलिए ये मिथ अभी के लिए मैं बस करता हूँ। हमारा अगला मिथ ये है कि हॉर्स और डॉग दोनों को स्पॉन करो, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर स्पॉन करो, और फिर RPG से हेलीकॉप्टर पर शूट करो, और फिर देखो मैजिक। अब ज्यादा मुश्किल तो ये है कि मैं हॉर्स के ऊपर डॉग को कैसे चढ़ाऊंगा, और फिर उन दोनों के ऊपर हेलीकॉप्टर को कैसे चढ़ाऊंगा। फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पर पहले डॉग आएगा, इसके ऊपर हॉर्स आ जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, ऊपर आ गया। अब हेलीकॉप्टर को जस्ट ऊपर इनके स्पॉन करना है मुझे। ये कर दिया, अरे यार हेलीकॉप्टर तो नीचे गिर गया। थोड़ा सा अगर मैं हिलूं और इनके राइट में स्पॉन कर दूं, शायद ऊपर बैठ जाए। यार बहुत सारे ट्राई कर लिए, सब नीचे ही गिरते जा रहे हैं, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। फिर से करते हैं, इस बार शायद हो जाए।
भैया तो नीचे ही हो गया, पर हॉर्स और डॉग कहाँ चले गए? अरे वो आया हॉर्स, ओह ये तो उसके ऊपर गिर गया, यही था क्या मैजिक? ये डॉग नीचे दब गया और हॉर्स ऊपर उड़ गया था, क्या था ये? अब आरपीजी से मार के भी देख ही लेते, यही था ना ये? चलो वो तो निकल लिया, ये सब निकल लिया, तू भी निकल ले भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इधर। इसलिए ये मिथ बस्टर्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि न्यू लेजेंडर कार का कलर चेंज करने पर उसके छत का कलर चेंज नहीं होता है। तो ये आ गई हमारी न्यू लेजेंडर कार जिसका चीट कोड है 1001 गाइस। उसके बाद हम इस पे कलर चेंज करेंगे और आप देख सकते हो सिर्फ नीचे का कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर ये ब्लैक इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये लेजेंडर है, इसलिए ऊपर का कलर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि आप सड़क पर चलते बंदे को स्लो मोशन में मारोगे तो उसका साउंड ज़ॉम्बी जैसा आएगा। तो हो सकता है स्लो मोशन में थोड़ा स्लो कर दिया हो इनका साउंड। ये मैं इस पे एम करता हूँ, यार स्लो मोशन में एम करना देखो कितना मुश्किल हो रहा है। नहीं यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल वॉइस लगी, लेकिन बस थोड़ी सी खिंच गई, लेकिन साउंड में कुछ चेंज नहीं हुआ है। दूसरे कैरेक्टर को मार के देखते हैं। यार इसमें तो गन भी स्लो चल रही है, शायद अब इसका साउंड चेंज हो जाए। भाई गोली लग नहीं रही क्या इसको? अच्छा पहले पूरा मारना पड़ेगा, उसके बाद इसकी चीख निकलेगी। सेम साउंड गाइस, ये मिथ बस्टर्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि फायर ट्रक के विंडो के शीशे पर फायर मतलब गोली चलाने से वो नहीं टूटेगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मल गाड़ी का दिखा देता हूँ, है ना? ये जैसे नॉर्मल गाड़ी है, इसकी देखो हमने विंडो पे मारा और सारे कांच इसके टूट जाते हैं। अब हो सकता है फायर ट्रक है तो थोड़ी स्ट्रांग दिखाने के लिए ऐसा किया हो कि इसकी विंडो नहीं टूटती हो। ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे खिड़की भी एक तो बहुत बड़ी है यार, ठीक है? ये मारा देखो, नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। इसका ये डोर भी देख लो, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। अरे यार ये तो फटने वाली लग रहा है। भाई फटना मत, थोड़ी देर रुक जा बस, मुझे आगे का भी टेस्ट करना था। थोड़ी देर रुक जाती, ठीक है? न्यू ट्रक आ चुकी है, ये है हमारी सामने की खिड़की, ये भी नहीं टूट रही। और ये है ओके, इस साइड की टूट चुकी है। तो गाइस ये देखो, इस साइड की टूट रही है लेकिन उस साइड की नहीं टूट रही है, मतलब टूट रही है। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि 01212 लिखोगे ट्रक पे ट्रेलर आएगा, उसके ऊपर फायर ट्रक स्पॉन कर देना, फिर ट्रक फ्लाई करने लगेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए। तो आपको फर्स्ट पर्सन में स्लो मोशन करना है तो मजा आएगा। तो ये आ गई हमारी ट्रक विथ ट्रेलर, इसके ऊपर हमें फायर ट्रक स्पॉन करना था। और ये उड़ गए, सही में उड़ गए, कहाँ है? नहीं दिख रहेगा इस, कुछ तो निकला था और दोनों सही में उड़ चुके हैं। तो अब यही चीज हम फर्स्ट पर्सन और स्लो मोशन में करते हैं ताकि हमें अच्छे से व्यू दिखे। तो ये लगाई हमने चीट, फायर ट्रक आएगा अब और ये उड़ने लग जाएगा। फ्लाइंग ट्रक हमारी आने वाली है और ये उड़ना चालू हो गई। कहाँ उड़ रही है? ठीक है गाइस, थोड़ी देर के लिए। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे मैंने गलती से, अरे डॉग स्पॉन कर दिया लग रहा है। हाँ 600 की चीट लगा दी मैंने। स्लो मोशन में तो यार वो वर्क कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ और करना पड़ेगा हमें। ये हमने देखो फास्ट मोशन में डाला और उड़ गई हमारी गाड़ी, लेकिन ये शायद उड़ ही जाती है ना, गायब हो जाती है इसलिए दिख नहीं रही है। अरे शैडो, अरे वो गिर गई। अच्छा ये उड़ती है गाइस, मतलब ये गायब नहीं होती है। देखो उड़ के नीचे गिरी ना, आपके सामने गिरी है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा उसको नीचे आने में। मेरे पास एक आइडिया है, मैंने इन्फिनाइट हेल्थ और सुपर जंप की चीट लगा ली है। अब क्या करूंगा, जैसे ही वो उड़ेंगे ना उनके साथ मैं कूद जाऊंगा, तो हम ऊपर से व्यू देख सकते हैं कि कितना अच्छा दिखता है जब फ्लाइंग ट्रक हमें दिखती है, ठीक है? और ये कूद गए और मैं भी उड़ा। अरे यार मेरे से थोड़ा पहले उड़ गया यार, ये वाला तो ऊपर ही चला गया, ये गायब हो गए। अब आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट व्यू दिखाऊंगा इस, ठीक है? ये हमारी जंप और आप देख लो, वो देखो वो दोनों उड़ रहे हैं यार। तो फ्लाइंग ट्रक हमें मिल चुकी है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। कमेंट जरूर करना अपने नए मिथ बस्टर्स न्यू अपडेट के बहुत मस्त वाले, और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।